पैसे आए हुए हैं तो वो गए वहाँ पे, उन्होंने करीब 25 लाख की लूट उन्होंने बताई है कि 25 लाख की लूट की है। पानीपत CIA पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये चार शख्स कोई आम नहीं बल्कि एक फाइनेंसर के सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी हैं, जिन्होंने 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देते हुए भीषण स्वरूप कॉलोनी के फाइनेंसर रमेश की हत्या की थी। मामले को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार ने पर्दाफाश करते हुए इस बात की जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आप वो सुनिए। कि 11 तारीख को 11 जून को सिटी थाने में विशेष रूप कॉलोनी में एक लूट एंड मर्डर की घटनाएं हुई थी और अननोन के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुआ था। उसमें बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था, तो CI1 की टीम ने जो मुख्य आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इसमें हमने अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तो ही सिटी का रहने वाला है शहर एरिया का और एक सिवा का रहने वाला है, 2 धनसोली गांव के रहने वाले हैं। ये 25 से 35 साल की उम्र के आसपास के लोग हैं और नौजवान लड़के हैं और जैसा कि आप लोगों को पता ही है CCTV कैमराज में आया था, उससे हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सहायता मिली। इन्होंने बताया कि इन्हें पता था कि वो फाइनेंस का काम करता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे लगे रहते हैं। इन्होंने रेकी भी किया था उस जगह का, वहाँ पास के एक होटल में वो कमरा लेके काफ़ी दिन से रह भी रहे थे और 1-2 दिन पहले उनके गए भी थे, फ़ोन से संपर्क में थे। उनको पता था कि उस दिन पैसे आए हुए हैं, जो पैसे आए हुए हैं तो वो गए वहाँ पे और उन्होंने करीब 25 लाख की लूट उन्होंने बताई है कि 25 लाख की लूट की है। इसमें इन्होंने पैसे इधर उधर कुछ बांट दिए, हमको कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की, जो इनकी देनदारी वगैरह थी उनको दे दिए और इसमें और भी जो लोग होंगे जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उसको हम उसे गिरफ्तार करेंगे, बाकी अभी रिमांड पर लेंगे उसको, मजिस्ट्रेट साहब के सामने हम पेश कर रहे हैं। अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि कितने दिन की रिमांड मिली है, रिमांड पे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि CI1 पुलिस की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी 11 जून को दिन के समय ऑफिस में बैठे फाइनेंसर रमेश के हाथ मुंह और पैरों पर टेप बांध गए, चोट मारकर हत्या कर नकदी लूटकर फरार हो गए थे। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस की जिम्मेवारी CI1 प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और उनकी टीम को सौंपी थी। CI1 पुलिस टीम वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरा में कैद फुटेज को खंगालते हुए विभिन्न पहलुओं पर गहनता से छानबीन करने के साथ ही आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को वीरवार शाम को आरोपियों के रोहतक गोहाना बाईपास पर दिल्ली पैरेलल नहर पुल के पास खड़े होने के बारे में जानकारी मिली। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देकर चारों आरोपियों को काबू किया। आरोपी पानीपत से भागने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ दीपू पुत्र सोहन पाल निवासी वाधावाराम कॉलोनी, मंजीत उर्फ मोनू पुत्र सुखबीर निवासी सिवा, सतेंद्र उर्फ मोहित पुत्र शमशेर व सुमित उर्फ मोनू पुत्र हरदीप निवासी दनसौली पानीपत के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।